जय माता दी। आप सभी दिवाली की शॉपिंग में बिजी होंगे, आपने लिस्ट बना ली होगी, लेकिन उस लिस्ट में क्या आपने सही लिस्ट बनाई है, वही मैं आपके लिए आज बताने आई हूँ कि इस धनतेरस पर आप कौन सी 7 वस्तुएं अवश्य ही खरीदें ताकि माँ लक्ष्मी आप पर प्रसन्न हो जाए और पूरे साल आपके घर में सुख शांति बनी रहे, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहे। तो नोट कीजिए वो 7 चीज़ें। उससे पहले जो वो व्यूवर मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप सभी जानते हैं कि जब देवताओं ने और दानवों ने समुद्र मंथन किया था तो धनतेरस के दिन ही जो धन्वंतरी देव हैं वो अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए इस दिन धन्वंतरी देव की पूजा की जाती है। तो आपको एक ऐसा पात्र या जल का पात्र अवश्य ही खरीदना चाहिए धनतेरस के दिन। वो आप पीतल का ले सकते हैं, अन्यथा आप अगर का आपका सामर्थ्य है तो आप चांदी का भी ले सकते हैं, लेकिन इस दिन एक जल का पात्र आप अवश्य ही खरीदें और इसको अपने घर में जल का जो कार्य करते हैं, जैसे जल पीने के लिए या जल भर के रखने के लिए जो भी है, इसको अवश्य ही पूरे साल प्रयोग करें आप। अगला है धनिया। धनिया माँ लक्ष्मी को अति प्रिय है। जैसे हम नवरात्रों में जो कि जवारे बोते हैं, वैसे ही हमें धनतेरस के दिन धनिया बोना चाहिए। यह हमारे लिए बहुत ही उत्तम होता है। धनिया बांटना भी बहुत ही शुभ माना जाता है, तो आप इस दिन धनिया अवश्य ही खरीदें। आप धनिया उगा भी सकते हैं और जो उगेगा उसको फिर आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन धनिया आप अवश्य ही खरीद के लाएं, धनिया के बीज, ये आपके लिए बहुत ही शुभकारी रहेगा। तीसरी वस्तु है आपको नया झाड़ू। झाड़ू भी माँ लक्ष्मी का प्रतीक है। झाड़ू से रिलेटेड मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है कि आपको कैसे झाड़ू को अपने घर में रखना चाहिए, कैसे उसको सम्मान देना चाहिए, आप वो देख सकते हैं चैनल की प्लेलिस्ट से। तो आप धनतेरस पर झाड़ू अवश्य ही खरीदें और इस झाड़ू को आप दिवाली के दिन मौली बांध के कुमकुम लगा के इसका पूजन करें, इसके पश्चात ही आप इस झाड़ू को यूज करें। ये जो सारी चीज़ें मैं बता रही हूँ ये आपको खरीदनी धनतेरस के दिन है और इनका पूजन दीपावली पर करके ही इनको प्रयोग आपको करना है। अगला है आपको चांदी अवश्य ही खरीदनी है। चांदी है जो वो यश कीर्ति आपको प्रदान करती है, इससे आपके चंद्रमा उच्च होते हैं, तो धनतेरस पर आप अवश्य ही चांदी खरीदें, ये भी आपके लक को बढ़ाती है। इसके साथ ही अगली जो वस्तु है वो है श्रीयंत्र। आप श्रीयंत्र, कनक धारा यंत्र या मोती शंख, दक्षिणावृत्ति शंख अवश्य ही धनतेरस के अवसर पर जो भी आप इजीली खरीद सकते हैं वो खरीदें और अपने घर के मंदिर में उसको अभिमंत्रित करके स्थापित करें। अगर पहले से आपके घर पे है तो आपको उसे पुनः शुद्ध करके उसको फिर से अभिमंत्रित कर देना चाहिए ताकि उसकी एनर्जी बरकरार रहे। अगला है गोमती चक्र। आप धनतेरस पर 11 गोमती चक्र और कोड़ियाँ अवश्य ही खरीदें, क्योंकि गोमती चक्र और कोड़ियाँ भी माँ लक्ष्मी को अति प्रिय है। इनका भी आपको पूजन में अवश्य ही प्रयोग करना चाहिए माँ लक्ष्मी के, और फिर इनको पोटली बनाकर अपनी तिजोरी या गले जहाँ पे आप रखते हैं अपने धन रखने के स्थान पर आप इसे रख सकते हैं। अगला है अगर आप कारोबारी हैं, कारोबार बिजनेस आपके चलते हैं, आप बही खाता खरीदना चाहते हैं, या अब तो जैसे डिजिटल हो गया है टाइम, आप अपने टैब वगैरह या लैपटॉप वगैरह खरीदना चाहते हैं तो आप धनतेरस के दिन इन्हें खरीद सकते हैं, या आपके लिए अति शुभ होंगे और इनका पूजन करके आप प्रयोग कीजिए, पूरे साल ये आपके को फायदा प्रदान करेंगे। अगला है अगर आप तिजोरी खरीदना चाहते हैं, जो व्यापारी वर्ग है अगर वो नई तिजोरी लेना चाहते हैं तो आप ये तिजोरी धनतेरस को खरीद सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें आप के इसमें ये एल्युमिनियम की ना हो, आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। यह तो बात हुई कि हमें क्या खरीदना चाहिए धनतेरस पे, इससे रिलेटेड एक वीडियो और है जिसमें मैंने विस्तार से बताया हुआ है, लास्ट ईयर की है वो, लेकिन चीज़ें तो वही रहती हैं, आप वो भी देख सकते हैं। चैनल जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक आपको दे दूंगी, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। ये तो बात हुई कि आपको क्या खरीदना चाहिए, लेकिन इसी के साथ आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए
कि धनतेरस को आपको कौन सी वस्तुएं नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि जहां वस्तुएं आपके लक को इंक्रीज करती हैं, वहीं कुछ वस्तुएं ऐसी हैं कि जो कि आपके दुर्भाग्य को बढ़ा देती है। सबसे पहला नंबर है उसमें कांच। आपको कांच की कोई भी वस्तु नहीं खरीदनी चाहिए धनतेरस के समय, चाहे वो कितना ही अच्छा शोपीस हो, कुछ भी हो, आप पहले आगे पीछे कभी ले आए दिवाली की शॉपिंग पर धनतेरस के दिन उसे ना लाएं। अगली वस्तु है काली वस्तुएं। काली वस्तुएं भी नकारात्मक ऊर्जा नेगेटिविटी का प्रतीक होती है, तो इस दिन कोई भी काली वस्तुएं आप ना खरीदें। बहुत सारे लोग गाड़ी खरीदते हैं धनतेरस पर, आपने देखा होगा, बट हमें लोहे की चीज़ें धनतेरस पर बिल्कुल भी नहीं खरीदनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आप धनतेरस के दिन गाड़ी लाएं, तो आप पहले दिन ही उसकी बुकिंग कर दें, पैसे पेमेंट कर दें और अगले दिन गाड़ी को ले आएं। तेल, घी, रिफाइंड आदि वस्तुएं आपको बिल्कुल भी नहीं खरीदनी है धनतेरस के दिन। लोहा, लोहे से बने हथियार या धारदार वस्तुएं इस दिन आपको बिल्कुल भी नहीं खरीदनी चाहिए, जैसे कैंची, चाकू, इनका प्रयोग आप ना करें। धनतेरस के दिन इनको आप खरीद के ना लाएं, इनको आप पहले पीछे ला सकते हैं जब भी आपका मन करे खरीद के, पर ध्यान रखें कि धनतेरस के दिन आप इनको बिल्कुल भी खरीद कर ना लाएं। इस दिन जो भी लोग नशे करते हैं, अब मैं उनको ये तो नहीं कह सकती क्योंकि मेरे कहने से तो वो मानेंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने सब नहीं मना किया होगा, फिर भी करते हैं, लेकिन उनकी हैबिट है। लेकिन वो इस चीज़ का ध्यान रखें कि धनतेरस को वो ये वस्तुएं खरीद कर ना लाएं, वो पहले दिन अपने ये वस्तुएं खरीद लाएं, अपनी शराब वगैरह जो भी वो पीते हैं, लेकिन धनतेरस को विशेष ध्यान रखें कि वो इन वस्तुओं को ना खरीदें। आई होप आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगी होगी। मैं माता रानी से दुआ करूँगी कि वो आपके घर में स्थिर निवास करे, आपकी दिवाली खुशियों भरी हो और आप सभी हंसी खुशी से अपना जीवन व्यतीत करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल के साथ जुड़े रहें। जय माता दी।